वेलकम टू ब्रेनिक्स इंस्टीट्यूट क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की हम एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। मैच दी फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको दो कॉलम दे रखे हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। ठीक है, मैच दी फॉलोइंग, तो यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं सामने सामने। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, लीफ में होता है। नाइट्रोजन राइजोबियम्स कस्कटा, ये एक पैरासाइटिक प्लांट होता है, अभी हमने पढ़ा था। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। इंसेक्ट पिचर प्लांट। अब ट्रू और फॉल्स करना है हमें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं होती, बल्कि ऑक्सीजन रिलीज़ होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट्स विच सिंथेसिस दियर फूड आर कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। फॉल्स, क्यों, क्योंकि उसको तो हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं जो अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, सेप्टोट्रॉप्स तो वो होते हैं जो सड़ी गली हुई चीज़ों को खाते हैं, उन्हें हम सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। और ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स हो जाएगी, गलत होगी। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। सही बात है, प्रोटीन थोड़ी ना बनता है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, हमें करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट्स का वो कौन सा पार्ट है जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, तो हमने पढ़ा था ये कौन सा है, स्ट्रोमेटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रोमेटा। इसके बाद है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमोसफेयर मेनली थ्रू दियर, कहाँ से आती है स्टेम में कार्बन डाइऑक्साइड, यस लीव्स से आती है। ठीक है, लीव्स के अंदर स्ट्रोमेटा होता है, वहाँ से एंटर होता है। इसके बाद है, व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस। ठीक है, लार्ज ग्रीन हाउसेस में जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पर फ्रूट्स को वेजिटेबल्स पर क्यों ग्रो कराते हैं, और इसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, तो इसका एडवांटेज ये है कि प्रोटेक्ट करता है ग्रीन हाउस को एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन से, और सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। तो दो मेजर एडवांटेज क्या हैं, एक्सटर्नल क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, इससे प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। दूसरा, जो सुइटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डिजीज़ से और एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन से प्लांट्स को बचाता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, ठीक है, ग्रीन हाउस क्रॉप्स में ग्रो कराने के। थैंक यू सो मच।